नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे और इसके लिए तरह तरह के डेकोरेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें कई तरह के चित्र भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या घर में हर तरह का चित्र लगा सकते हैं या घर में कुछ खास चित्र लगाकर हम घर के माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा से हम भी लाभ पा सकते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम पंडित जी से लेंगे कि घर में आखिर कौन से चित्र हमें लगाने चाहिए जो हमारे भाग्य में बढ़ोतरी करें। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपकी नौकरी अचानक चली गई हो, एकदम से सडन नौकरी चली जाए, तो लगातार 7 दिनों तक शाम के समय 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लगातार 7 दिनों तक रोज शाम को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपकी नौकरी संबंधी समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 24 जून का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 24 जून 2024, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 3:54 तक चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम घर में अलग अलग तरह के जो चित्र हम लगाते हैं सजावट के लिए, उसका आप पर कैसा असर होता है, इस बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। तो घर में पंडित जी, क्या वाकई हम जो चित्र लगाते हैं वो हम पे अलग अलग तरह के असर भी डाल सकते हैं, और कैसे होता है ये असर? जी, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि घर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम घर में अलग अलग तरह के चित्र लगाते हैं। हम अपने घर में सुंदरता के लिए, यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न तरीके के चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। हम जब कोई चित्र देखते हैं तो हमारी आंखों की किरण उस चित्र से टकराती है और तब हमें वो चित्र दिखाई देता है। यानी चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं और इसी वजह से इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। चित्र हमारे मन को अच्छा भी कर सकते हैं और हमारे मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि चित्रों के प्रयोग से स्वभाव को, ग्रह को, भाग्य को बदला जा सकता है और इन पर असर डाला जा सकता है। आप किसी देवी देवता का चित्र देखते हैं तो आप उसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आप कोई डरावना चित्र देखते हैं, कोई खराब चित्र देखते हैं, तो मन के विचार अलग हो जाते हैं, आप उसे नमस्कार नहीं करते। यानी जिस तरह का चित्र हमारे मन पर प्रभाव डालता है वो अलग लोगों पर अलग अलग तरीके का प्रभाव डालता है। हम किसी से प्रेम करते हों,
उसका चित्र हमारे मन में प्रेम पैदा करेगा। बाकियों के मन में प्रेम पैदा करें ये जरूरी नहीं है। तो हमारे मन की जिस तरह की तरंग उस चित्र का स्वरूप लेती है, उसी तरह की भावना की वजह से वो चित्र हमारे मन पर असर डालना शुरू कर देता है। तो कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसका असर हम पर होता है। और आपके घर में लगे अलग अलग तरह के जो चित्र हैं, वो भी कुछ ऐसा ही असर आप पर डालते हैं। इस बारे में और ज्यादा विस्तार से हम आगे जाने उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस समय होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे जाने उसके पहले पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, हम अलग अलग चित्रों की बात कर रहे हैं तो पहले मंदिर से ही शुरुआत कर लेते हैं। घर में हम पूजा उपासना के लिए मंदिर रखते हैं, उसमें तरह तरह के चित्र रखते हैं, तो कैसे चित्रों का हम इस्तेमाल करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हम सीधे उस शक्ति से जुड़ पाए। घर में सबसे ज्यादा चित्र हम लोग लगाते हैं पूजा उपासना करने के लिए। तो घर में पूजा उपासना के लिए कैसे चित्र लगाएंगे? पूजा उपासना के लिए अपने घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र लगाया जाता है। देवी देवता का चित्र या गुरु का चित्र जितना साफ और जितना स्पष्ट होगा उतना ही अच्छा होगा। इन चित्रों को पूजा स्थान पर या काम करने की जगह पर लगाना चाहिए। और देवी देवता के चित्र इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि हमारी आंखों की सीध में आ सके। हमारा आई कॉन्टैक्ट चित्र के साथ बन सके। आप नीचे बैठ के पूजा करते हैं, चित्रों को बहुत ऊपर लगाया हुआ है तो आपके मन को तरंगों का फायदा नहीं होगा। आप जब पूजा करने बैठें तो आपके आंख देवी देवता की आंखों से मिलें, इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए।
एक साथ बहुत सारे चित्र पूजा के लिए नहीं लगाइएगा। चित्र का रंग या आकृति अगर खराब हो जाए तो पुराने चित्र को बदल दें। देखिए, चित्र की आकृति अगर खराब होगी या उसका रंग खराब होगा तो उसकी तरंगें भी खराब होंगी, और अगर देवी देवता के चित्र की तरंगें खराब होंगी तो आपको नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में ये है कि ये चित्र मैंने 50 साल पहले रखा था, मुझे बड़ा प्रेम है, कलर उड़ गया है लेकिन फिर भी रखे हुए हैं। ऐसा मत करिए। जो पुराने चित्र हैं जिनका कलर फेड कर गया है या जो चित्र खराब हो गए हैं उन्हें जल प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें, लेकिन ऐसे चित्रों को बिल्कुल हटा दीजिए जो चित्र दिखने में थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। तो पूजा उपासना में खास तौर पर इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जब भी कोई चित्र जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं उसे खरीदें या घर में पहले से हैं तो क्या हमें आगे भी उन्हें रखना चाहिए या नहीं, या आपने जाना। कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न पूजा वर्मा ने हमें लिखा है, मिर्जापुर से लिखती हैं। 29 नवंबर 2006 का जन्म है, 8:32 रात को, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। पूजा पूछ रही हैं, मुझे किस तरह के करियर का चुनाव करना चाहिए, किस तरह के करियर में मुझे सफलता मिलेगी। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मेडिकल में, नर्सिंग में या फार्मा के क्षेत्र में जाइए, या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप जाएं तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है, अगर इन क्षेत्रों में आप कोशिश करें तो।
कुंडली में सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा की संभावना भी जरूर बनती है, तो अगर आप प्रयास करेंगी तो आपको लाभ होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में बुधवार की शाम को अपने गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। इसके लिए अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ सवाल इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर लिख भेजिए। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न राजीव कुमार जी ने हरियाणा से लिखा है। 19 जुलाई 1984 का जन्म है। 7:30 शाम को करनाल हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मैं विदेश कब तक जा पाऊंगा और आगे मेरे करियर का क्षेत्र कौन सा होगा। राजीव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में विदेश जा पाएंगे और विदेश जा करके मैनेजमेंट या फाइनेंस का करियर होगा या कंप्यूटर से संबंधित किसी करियर में आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन पाएगी। आपका आने वाला समय अच्छा है, लेकिन साल 2024 जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के जरूर पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दो उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम चित्रों की मदद से कैसे आप घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने जीवन के हर आयाम को सुंदर बना सकते हैं, इस बारे में जान रहे हैं। पंडित जी ने कुछ देर पहले ही बताया कि पूजा उपासना के लिए किस तरह के चित्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं कि घर में यादों के लिए या फिर प्रेम के लिए कैसे आप चित्र लगाएं ताकि घर में प्रेम का माहौल बना रहे। पंडित जी, हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे परिवार के लोग, ये हमारी यादों में रहें, इनके साथ हमारा संपर्क जुड़ा रहे, इसके लिए और प्रेम के लिए हम अपने घर में चित्र लगाते हैं। कहाँ पर लगाएं और कैसे लगाएंगे ये चित्र? अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में अपने विवाह के समय का चित्र लगाना चाहिए। चाहें तो पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र, पति पत्नी का संयुक्त चित्र भी आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। माता पिता का या भाई बहन का चित्र उत्तर की दीवार पर नॉर्थ साइड में लगाइए। और अगर घर में किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है, दादा दादी का या जिसके माता पिता नहीं हैं उनका लगाना है, किसी पूर्वज का चित्र लगाना है, तो इसे दक्षिणी दीवार पर, साउथ वॉल पर लगाइए, अच्छा होगा। घर के डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में, जहां सब लोग बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, वहां पर ज्वाइंट फैमिली का, संयुक्त परिवार का एक चित्र आप जरूर लगा सकते हैं। ऐसा चित्र लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए
तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस आएंगे। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। धन की समस्या परेशान कर सकती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विरोधी आपके परास्त होंगे, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब आखिर तीन राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करें, उसके पहले अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अलग अलग कामनाएं होती है लोगों के मन में और चाहते हैं कि उनके भाग्य में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए अमूमन हम किस तरह के चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए कैसे चित्र लगाएंगे? घर में प्रेम बढ़ाने के लिए, घर में खुशियां लाने के लिए ड्राइंग रूम या मुख्य द्वार के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाएं। मल्टी कलर के अलग अलग रंग के ढेर सारे फूलों का चित्र या बहते हुए पानी का चित्र लगाएं। आर्थिक संपन्नता के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं, नियमित उनकी पूजा करें, आपको आर्थिक लाभ होगा। संतान की प्राप्ति के लिए कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र, गाय और उसके बछड़े का चित्र अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में लगाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, और जब बराबर आप उगते हुए सूर्य का चित्र देखेंगे तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, काम बढ़िया हो जाएगा। हर तरह के कष्ट के नाश के लिए पूजा स्थान पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र लगाएं आशीर्वाद की मुद्रा में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कष्टों का नाश अवश्य होगा।
तो कुछ इस तरीके से आपकी हर मनोकामना हो सकती है पूरी, और ये भी इतने सरल उपाय से कि बस एक चित्र आपको आपके घर में ले आना है। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का ही रुख कर लें। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न गायत्री चंदनकार जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री वैष्णवी के बारे में जानना चाहती हैं। वैष्णवी की जन्म तारीख है 20 अगस्त 2009 11:35 रात को नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसको इसी उम्र से थायराइड हो गई है जिसकी वजह से लगातार उसकी दवाइयां करनी पड़ती हैं। तो क्या उपाय करें जिससे बेटी का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और पढ़ाई में मन लग सके। देखिए गायत्री जी, आपकी पुत्री की कुंडली में अभी कम से कम 2 साल तक स्वास्थ्य के लिए और ध्यान रखना होगा। 2026 के अप्रैल के बाद इनके सफलता की, इनके स्वास्थ्य की, जीवन की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनके गले में पन्ना धारण करवा दें। और दूसरे नंबर पर आप अपनी पुत्री को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेगी। अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो उसके शिक्षा में और उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
और चलिए अब वक्त हमारे चौथे और आखिरी सवाल का है, लेकिन उसके पहले फिर से आप तमाम लोगों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न दीपिका जी ने दिल्ली से लिखा है। 13 अप्रैल 1983 का जन्म है, 11:40 सवेरे दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है, क्या मेरा बेहतर विवाह और अच्छा विवाह होने की संभावना है? क्या मेरा जीवन आगे बेहतर रहेगा? दीपिका जी, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए विवाह होने की संभावनाओं पर बहुत काम ना करें, बेहतर होगा अपने करियर पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी संभावना 2025 में बन सकती है, लेकिन बहुत प्रबल संभावना नहीं है। आपका विवाह हो सके और आगे का जीवन बेहतर चल सके, इसके लिए हर रविवार को एक बार पार्वती मंगल का पाठ करिए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें, पार्वती मंगल का पाठ करें। प्रभु की कृपा हुई तो अगले साल आपका विवाह जरूर हो सकता है। तो पंडित जी, आज हम चित्रों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। आपने पूजा उपासना के लिए कैसे चित्र देवी देवताओं के होने चाहिए ये तो बताया, लेकिन कई लोग घर में देवताओं की फोटो डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, खासतौर पर गणेश जी की। तो किस तरह के चित्र लगा सकते हैं और क्या डेकोरेट करने के लिए गणेश जी का चित्र लगाना सही भी है या नहीं? जी देखिए, देवी देवताओं के चित्र सामान्य चित्र नहीं होते, वो विशिष्ट होते हैं। आप उसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कभी मत करिएगा। आप अगर देवी देवताओं के चित्र को डेकोरेशन के लिए लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हर जगह आप चित्र की मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देवी देवताओं के चित्र मंदिर में ही लगे तो ज्यादा बढ़िया है। गणपति का चित्र मंदिर में तो रख ही सकते हैं, लगा ही सकते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ उनका चित्र लगा सकते हैं, यानी गणेश जी की जो पीठ है वो बाहर की तरफ रहेगी और जो चेहरा है वो घर के अंदर की तरफ होगा। इस प्रकार से अगर आप गणपति का चित्र लगाएं तो घर का वास्तु दोष दूर होगा। अगर आप घर के बाहर गणपति का चित्र लगाते हैं, उनकी पीठ घर की तरफ रहती है, तो आपके घर में और जीवन में दरिद्रता आएगी। इसीलिए अपने घर में गणपति का चित्र पूजा स्थान पर रखें, उसके अलावा केवल उनका चित्र मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगा सकते हैं। घर में जगह जगह पर गणपति का चित्र डेकोरेशन के लिए मत लगाइए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो जल्द ही आपकी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 24 जून को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 24 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में बदलाव और सफलता के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं रह सकती हैं, और इस साल घर से या वर्तमान स्थान से काफी दूर
आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपका साल और भी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि पवित्र नदियों में स्नान करने में हम किन बातों का ध्यान जरूर रखें? अक्सर हम लोग गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अच्छा माना भी जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नदी में केवल डुबकी लगाइए, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, जिसमें भी नहाइए केवल डुबकी लगाइएगा, एक डुबकी, पांच डुबकी, जितना मन करे। नदी में शरीर रगड़ करके और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नदी के पानी को दूषित करेंगे तो आपका केतु खराब होगा और आप गोपनीय और गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे। तो आप कभी भी नदी में स्नान करने जाएं, कृपा करके केवल डुबकी लगाइएगा, शरीर रगड़ करके, साबुन लगा करके नदी में स्नान मत करिएगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 24 जून के लिए शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 24 जून 2024, दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 24 जून 2024 सोमवार रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं आप? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के मोटापे के बारे में। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग सामान्यतः मोटे नहीं होते, लेकिन उम्र के अंतिम भाग में 50 साल के बाद इनका पेट थोड़ा निकल आता है, पेट पर मोटापा आ जाता है। मोटापे से बचने के लिए इनको सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो इनको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं जो आप लोगों की करते हैं बेहद मदद। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं आप? जी, आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? घर से काम के लिए निकलते समय एक चुटकी हींग ले लीजिएगा और एक चुटकी हींग दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में ले लें, अपने सर पर से एक बार वार लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए। इसके बाद जिस काम से आपको जाना है उस काम से जाइए, काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNTV।